गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ अशोक टाटा पे और हमारे सामने खड़ी हुई है टाटा नेक्सॉन एक्स जेड प्लस डार्क एडिशन। देखिए डार्क एडिशन हमारे सामने टाटा नेक्सॉन खड़ी हुई है। कुछ इस तरह के इसके फ्रंट के लुक्स रहने वाले हैं। सबसे पहले इसका हुड खोल के इंजन देख लेते हैं। ये पेट्रोल है, तो पेट्रोल इसमें आपको टर्बो देखने को मिलेगा। ये देखिए, इस पर टर्बो लगा हुआ है और ये इस तरह का इसका इंजन है। ये 1200 सीसी का इंजन है, 3 सिलेंडर वाला। और इसकी पावर की आउटपुट की बात करें तो 120 bhp और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया पूरे स्पेस का, डिसेंट यूसेज है इसके। इंजन को, बे को अच्छे से यूज़ किया गया, कहीं भी खाली जगह देखने को नहीं मिलेगी आपको इसमें। इसको बंद करते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो टाटा का लोहा है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने को मिलेगा इसमें। 5-स्टार रेटेड कार है, सेफ्टी में बेस्ट, 5-स्टार रेटेड कार, जेन एनकैप में सब कुछ। तो अब बात करते हैं इसके फ्रंट लुक्स की। तो इस तरह के इसके फ्रंट लुक्स रहने वाले हैं। ये जो है आपका DRL भी है, मतलब डे टाइम रनिंग लैंप भी देखने को मिलेगी इसमें। इसमें आपको वो भी देखने को मिलेगा इंडिकेटर। देखिए इस तरह की इसकी चाबी है। चाबी को अगर मैं अनलॉक करता हूँ तो देखिए इस तरह का सेटअप रहने वाला है। अगर मैं इसकी लाइट्स ऑन करता हूँ तो देखिए इसी में आपको DRL भी देखने को मिल जाएगी। वापस अनलॉक करके इसकी मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह का कुछ इसका आगे का लुक रहने वाला है। इधर आपको जो है हेलोजन मिलेगा प्रोजेक्टर में, लो बीम में और हाई बीम में मिलेगा हेलोजन और रिफ्लेक्टर बेस। फॉग लाइट देखने को मिलेगी हेलोजन में। बड़ी सी ग्रिल मिलेगी इसमें आपको, एयर डैम्स की कोई भी जगह देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा सा नीचे की साइड देखेगा तो ग्लॉस ब्लैक में पूरी की पूरी ग्रिल रहने वाली है आपकी। थोड़ा सा स्पेस मिलेगा रेडिएटर ब्रीदिंग के लिए। नीचे की साइड आपको पूरा का पूरा स्पेस दिया गया। ट्राई एरो इसमें आपको देखने को मिलेगा पैटर्न। नीचे ही आपको यहाँ पे इंटरकूलर भी देखने को मिल रहा होगा। देखिए इंटरकूलर लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी ब्रीदिंग के लिए यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस दिया गया। कुछ इस तरह का इसका आगे का पूरा लुक रहने वाला है। यहाँ पे आपको टोइंग हुक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है एयर डैम का वो दिया गया है, क्या कहते हैं लुक दिया गया, लेकिन ये भी फेक है, कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ग्लॉस ब्लैक की फिनिश देखने को मिलेगी। इस तरह के इसके साइड के टायर्स रहने वाले हैं। टायर की प्रोफाइल 215/60/R16 का इसमें टायर देखने को मिलेगा। 16 इंच का टायर मिलेगा। मेटल एक ग्रे कलर का इसका रिम का कलर रहने वाला है। आगे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। बॉडी में आपको क्लैडिंग देखने को मिलेगी जो पीछे तक जाती है। अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो आपकी बहुत अच्छी खासी इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी, जो कि होगी 200 के आसपास, 200 मिलीमीटर से ज़्यादा ही होगी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कोई भी डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगी। रियर लुक की बात करें तो इस तरह का इसका रियर लुक रहने वाला है। यहाँ पे देखिए नेक्सॉन की बैजिंग आपको ब्लैक में देखने को मिलेगी। रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा आपको हुड खोलने का, वाइपर और यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉपिंग लैंप्स और शार्क फिन एंटीना, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग, डीफॉगर और यहाँ पे शेर शेरनी बने हुए दिख रहे हैं। हाँ जी, शेर शेरनी बने हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, इस तरह के इसमें आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसके अंदर भी आपको ट्रायरो का पैटर्न देखने को मिलेगा। इसमें जो है वो क्या कहते हैं फोर्स वाला आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। फील करने पे पता पड़ रही है, यहाँ पे भी ट्रायरो का पैटर्न। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर, इधर की साइड आपको यहाँ पे एक एम्प्टी वो दिया गया स्पेस और नीचे आपको यहाँ पे साइलेंसर देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह के इसके लुक्स रहने वाले हैं। टाटा के बैजिंग के नीचे ही आपको यहाँ पे कैमरा भी देखने को मिलेगा। इधर आते इसके दूसरे लुक्स पे तो इधर की साइड आपको पेट्रोल टैंक देखने को मिलेगा। पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 43 या 45 लीटर्स का आपको पेट्रोल टैंक देखने को मिल जाएगा। को पैसेंजर साइड आपको कोई भी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। डार्क एडिशन की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाएगी। नेक्सॉन की बैजिंग देखने को मिलेगी लाइट के ऊपर। फ्लेक्सिबल वाले इसमें आपको वाइपर्स देखने को मिलेंगे। देखिए फ्लेक्सिबल वाइपर्स देखने को मिल जाएंगे आपको। कुछ इस तरह के इसके प्रॉपर लुक्स रहने वाले हैं। तो कुछ ये हो गया इसका बाहर से पूरा वॉक अराउंड। अब चलते गाड़ी के अंदर। इस टाइप की इसकी चाबी मिलेगी, इसमें लॉक अनलॉक लाइट का और बूट रिलीज का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको अनलॉक करते हैं। DRL ग्लो करी, वो OBD सपोर्ट हो गए, रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा और यहाँ पे एक आपको फिजिकल की का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस तरह का इसका डोर ट्रिम रहने वाला है आपका प्रॉपर। देखिए पूरा ब्लैक्ड आउट है। यहाँ पे आपका 1 पिंच अप एंड डाउन वाली आपकी विंडो मिलेगी ड्राइवर साइड की।
ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको डोर नॉब मिलेगा। बॉटल होल्डर के ऑप्शन में आपको यहाँ पे अम्ब्रेला का मिलेगा और बॉटल होल्डर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। स्पीकर की प्लेसमेंट आपको उसमें डोर में मिलेगी, ट्विटर की प्लेसमेंट आपको डोर में मिलेगी। बात करें ड्राइवर सीट की, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलेंगी आपको, और यहीं पे आपको मैनुअल एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिला। ABC पेडल्स देखने को मिलेंगे नीचे की साइड, और कुछ इस तरह का इसका पूरा इंटीरियर रहने वाला है। देखिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं, कुछ इस तरह का इसका पूरा इंटीरियर है। इसमें पूरा ही ब्लैक डॉट मिलेगा, डैशबोर्ड से लेकर रूफ भी आपको ब्लैक डॉट ही मिलेगी। देखिए पूरा ब्लैक डॉट इसका इंटीरियर रहने वाला है। अब इसमें लगाते हैं एक बार, मतलब इसका इग्निशन ऑन करते हैं, तो इग्निशन ऑन करने पे देखिए इसकी ऐसे कुछ ग्राफिक्स रहने वाले हैं। पूरा स्वाइप अप करेगा, फुल ब्लास्ट पे AC चालू हुआ है और मैंने इसको कर दिया ऑफ, ये मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, अब प्यारा से स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, इसकी फिन एंड फिनिश बहुत अच्छी है। ठीक है, ग्लॉस ब्लैक का पूरा इसमें यूज किया गया है, बीच में टाटा का लोगो बहुत ही यूनिक। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक, या आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा, टिल्ट मिलेगा सिर्फ इसमें आपको। और एक बार चेक कर लेते हैं, एक तो ना ये गाड़ियों में टेलीस्कोपिक वाला चेक करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसमें आपको टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले आप मेरी वीडियो चैनल पर जाकर और वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, आपको अलग अलग गाड़ियों के, टाटा की भी गाड़ियों के रिव्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं ऐसी कार रिलेटेड वीडियोज़, कार रिलेटेड रिव्यूज़ अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसको ब्राउज करने के ऑप्शंस को एक बार इसको ब्राउज करके देख लेते हैं किस तरह का इसमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मोड का बटन है, इसको दबाने से यहाँ पे चेंज होगा। देखिए आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा, यहाँ पे एवरेज देखने को मिलेगा, ट्रिप ट्रिप भी उसके साथ साथ आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद डिस्टेंस टू एम्प्टी देखिए, और यही कुछ बेसिक चीज की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है। ऊपर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, उधर टाइम देखने को मिलेगा, स्पीड देखने को मिलेगी। ये आधा डिजिटल आधा एनालॉग टाइप का इसमें वो रहने वाला है आपका सिस्टम, फुली डिजिटल भी कह सकते हैं क्योंकि जैसे RPM मीटर ये सब इसमें सिर्फ ग्राफिकल टाइप का रिप्रेजेंटेशन रहती है, तो आप इसको फुली डिजिटल भी मान सकते हैं। बात करते हैं लाइट की, तो इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, हेडलाइट लेवल एडजस्टर भी इसी में देखने को मिलेगा। उधर की साइड बात करते हैं तो इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलेगा जो कि पूरा इसमें ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में रहने वाला है, उसके अराउंड एक सिल्वर कलर की लाइनिंग देखने को मिलेगी। नेक्सॉन की बैजिंग मिलेगी ग्लॉस ब्लैक में, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा आपको ट्रायरो पैटर्न देखने को मिलेगा, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे ट्रायरो पैटर्न देखने को मिलेगा, नेक्सॉन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई भी फिजिकल बटन देखने को नहीं मिल रहा है, अगर आपको इसको ब्राउज करके जल्दी कोई बटन पे आना हो तो इसमें आपको कोई भी फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलेगा। हरमन गार्डन की बैजिंग वो रखी है ऊपर। इसमें आपको JBL के स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, टाटा नेक्सॉन फिर से आपकी वही 5-स्टार रेटेड कार है, यानी कि सेफ्टी में कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं मिलेगा। 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इसके गियर रिवर्स गियर की बात करूँ तो देखिए इस तरह का इस पर रिवर्स गियर रहने वाला है, और बात करें इसमें अडैप्टिव गाइडलाइंस भी आपको देखने को मिल जाएंगी, इसके इवेंट्स की बात करें तो सब जगह आपको ग्लॉस ब्लैक का फिनिश देखने को मिला, ग्लॉस ब्लैक कहीं भी आपको इसमें कुछ भी दूसरे कलर का यूज़ करता हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको हैजार्ड लैंप का, पार्किंग लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहीं AC की बात करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले में ही आपको AC का कंट्रोल्स मिलेगा। इस साइड आपका जो है एक्सप्रेस कूलिंग का आपका यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिससे AC जो है फुल ब्लास्ट पर चालू होता है, इसको दोबारा दबा देते हैं तो ये बंद भी हो जाएगा। एक्सप्रेस कूलिंग ऑन, विंडोज में रोल डाउन। एक्सप्रेस कूलिंग का फंक्शन में ये क्या होगा, AC जो है फुल ब्लास्ट पे चालू होगा, जो विंडोज है वो रोल डाउन हो जाती है। देखिए ये ड्राइवर साइड की जो विंडो पूरी रोल डाउन हो जाती है, जल्दी से गाड़ी कूल होने का ये फंक्शन देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके नीचे तो इसमें आपको मोड्स के बटन देखने को मिलेंगे, उसी के नीचे आपको यहाँ पे फ्रंट फॉग लाइट ऑन करने का ऑप्शन मिलेगा, लॉक अनलॉक का बटन मिलेगा, और यहाँ पे बूट रिलीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके नीचे आपको यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा 12 वोल्ट का, यहाँ पे आपको टाइप ए कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, और एक ऐसे ही स्पेस बनाया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग मोड्स देखने को मिलेंगे गाड़ी के, सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेगा। बात करें इसके एक अलग अलग ड्राइव मोड्स की, तो एक बार इसके ड्राइव मोड्स भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखिए अभी इसको मैं घुमाऊंगा, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, मैडम बोली इकोनॉमी ड्राइव मोड लग गया। उसके बाद एक और घुमाया, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, एक और ड्राइव मोड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। आपको इसके अंदर 3 ड्राइव मोड्स देखने को मिलेंगे, इसको डायल को घुमा के आप उन पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस मिलेगा आपको, ये बात करें तो शायद से चार्जिंग पैड है, ये आपका शायद चार्जिंग पैड है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं सेंटर आर्मरेस्ट में, तो कुछ इस टाइप का इसका सेंटर आर्मरेस्ट रहने वाला है, और इसकी स्पेस की बात करें तो अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलेगा आपको।
आपका यहाँ पे जो है चार्जिंग पैड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाएगा आपको नीचे की साइड, और नीचे ही अंदर डिब्बी है, ठीक है। इसको बंद करते हैं, ये स्लाइड वाला होता तो और अच्छा रहता है। इसमें आपको हैंड ब्रेक देखने को मिलेगी इस टाइप की, इसकी फिनिश भी अच्छी है, अच्छे लग रहा है इसे होल्ड करने में, ठीक है। कुछ इस तरह का इसका पूरा सेटअप रहने वाला है आगे का। अब बात करते हैं इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की। पहले बंद करता हूँ मैं अपनी विंडो, विंडो रोल अप कर लिया मैंने। इस टाइप का पूरा इसमें सेटअप रहने वाला है। यहाँ पे बेसिक फ्लोटिंग सी आपकी इसमें वो रहने वाली है स्क्रीन। पावर का बटन दबाया, पावर ऑफ हो गई। इसके बाद पावर बटन दबा के इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एसी कूलिंग मतलब मैक्स एसी का कूलिंग का ऑप्शन मिलता है। एसी का आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखिए मैंने उसको ऑन किया। यहाँ पे एसी ये एसी जब ऑन होगा तो आपका ये वाला जो है पूरा वर्चुअल ऑन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको म्यूजिक का सिस्टम का वो दिख रहा है। यहाँ पे आप इसमें अलग अलग आपके वो मिलते हैं। बात करी जाए इसमें होम पे आके देखते हैं होम पे क्या क्या ऑप्शन मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार्प्ले मिलेगा ही मिलेगा। यूएसबी रेडियो, वॉइस कमांड, वॉट थ्री वर्ड्स, ये सब मिलेगा। उसके बाद कैबिन एयर क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा, और बस पार्क असिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। पार्क असिस्ट में पीछे का कैमरा चालू हो जाएगा, देखिए इसमें पीछे का कैमरा चालू हो गया। हर टाटा की गाड़ी में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। साउंड डेमो, हरमन गार्डन का सिस्टम है तो उसका एक साउंड डेमो देखने को मिल जाता है। इसी बेसिक चीज की ऐसी कुछ सामने की स्क्रीन रहने वाली है। उसके ऊपर आते तो यहाँ पे आपको ORVM मिलेगा, ऑटोमेटिक ORVM देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे पूरी ब्लैक डॉट रूफ देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। देखिए यहाँ पे आपको LED कैबिन लाइट देखने को मिलेंगी, ब्लैक में कैबिन लाइट बहुत प्यारी लग रही है। इसके बाद इधर आते तो यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन मिलेगा सनशीट में, और ये सॉफ्ट रहने वाला है। इधर की साइड बात करते तो आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, टिकट होल्डर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। माइक की प्लेसमेंट आपको कैबिन लाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी जो है सनरूफ के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखिए अगर आपको ओपन करना है तो ये बटन दबाया, आपकी सनरूफ ओपन हो गई। उसके बाद अगर आपको बंद करना है तो ये वाला बटन दबाया तो सनरूफ बंद हो गई। और छोटी सी सनरूफ है, जो पर्पस है उसका वो सॉल्व कर देगी। एंटी पिंच वाली इसमें सनरूफ रहने वाली है, अगर आपका हाथ लगा दिया तो वो वही रुक जाएगी। देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ, जैसे ये मैंने खोली, मैंने इसको बंद किया। अगर मैंने इसको यहाँ पे हाथ लगाऊंगा तो देखिए रुक गई, वहीं की वहीं रुक गई। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ फटाफट से, ये मैंने इसको बंद कर दिया। बात करें ORVM के एडजस्टमेंट्स की तो इधर आपको ORVM के एडजस्टमेंट मिलेंगे। इसको बंद करने के लिए इसको बीच में करके आपको बस ये दबाना है, ये बंद हो गया। और अगर इसको दोबारा से खोलना है तो इसी को नीचे दबाएंगे तो ये दोबारा खुल भी जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का इसका पूरा सेटअप रहने वाला है आगे का। ऑटोमेटिक वाइपर्स, हेडलाइट के कंट्रोल्स आपको दिखा देता हूँ। जैसे अपने ऑन किया तो हाइड लाइन पूरी हाई बीम पे जाने की, हाई बीम पे चली जाएगी लाइट। उसके बाद अगर आपको फॉग लाइट्स ऑन करनी है तो आप यहाँ पे आके इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आपकी फॉग लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। ये फॉग लाइट्स आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेंगी। वाइपर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह की पूरी आगे की कहानी हो जाती है। आप चलेंगे इसकी पिछली सीट पे जाने से पहले याद आया, इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स को मैं अगर ऑन करूँ तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने दबाया, ये ब्लू कलर का हो गया। यहाँ पे नीचे से ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है। आपको पीछे पसीने वाली जो शिकायत रहती है गर्मियों में, उसने के लिए यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी आगे की कहानी रहने वाली है। अब चलते हैं पिछली सीट पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे आपको। पीछे की बात करी जाए तो कुछ इस तरह का इसका पीछे के लुक्स रहने वाले हैं। बात करें पीछे के डोर की तो पूरा का ब्लैक आउट रहने वाला है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा। इधर की साइड भी आप ये पूरा हार्ड रहने वाला है, और थोड़ा ये डोर नॉब के पास है यहाँ पे सॉफ्ट टच मिलेगा। ग्लॉस ब्लैक की फिनिश, ट्विटर की प्लेसमेंट, स्पीकर की प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर का ऑप्शन, पावर विंडो के कंट्रोल, ग्लास ब्लैक में डोर नॉब, और अंदर चलते गाड़ी के। स्पेस की बात करें और सीट कंफर्ट की बात करें तो बहुत अल्ट्रा लेवल इसमें आपको कंफर्ट मिल रहा है पीछे बैठने में। मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगी, बहुत सॉफ्ट है पीछे। वहीं बात करें सेंटर में तो आपको दो AC वेंट्स देखने को मिलेंगे, उस पर सिल्वर का आपको फिनिश देखने को मिलेगा। उसके नीचे आपको कोई भी चार्जिंग सॉकेट देखने को नहीं मिलेगा, पीछे आपको कोई भी चार्जिंग ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे आप अपने अगर बात करते हैं यहाँ पे एक आपको हुक मिलेगा जिस पर आप अपने धनिया और टमाटर आलू सब्जी जब आप शॉपिंग करके आएंगे तो उसको टांगने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको मिलेगी एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, हुक मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। पीछे की बात करते हैं यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा। सेंटर आर्मरेस्ट की बात करते हैं यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स सेंटर आर्मरेस्ट में आपको दो कप होल्डर्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पीछे की साइड आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरह का पूरा यहाँ पे पीछे के लुक्स रहने वाले हैं। सीटिंग की और स्पेस की बात करें तो अच्छा खासा स्पेस मिलता है, और अच्छा खासा ही आपको यहाँ पे हेडरूम भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं गाड़ी के पीछे के लुक्स की। इस तरह के गाड़ी के पीछे के लुक्स रहने वाले हैं। इसमें बात करी जाती है आपको LED की यहाँ पे लाइट्स मिलेंगी, ठीक है। LED लाइट्स मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको
यहाँ पे एलईडी में ही ब्रेक लाइट देखने को मिलेगी, हेलोजन आपको इंडिकेटर मिलेगा, हेलोजन आपका रिवर्स लाइट देखने को मिलेगी, वाइपर मिलेगा आपको रियर वाइपर, उसके बाद यहाँ पे शेडनी बनने दिखेंगे, एम्बलम्स दिखेंगे, यहाँ पे डीफॉगर मिलेगा, हाई माउंटेड स्टॉपिंग लैंप, शार्क फिन एंटीना, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग, उसके बाद अंदर के स्पेस की बात करें, अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा आपको गाड़ी के अंदर, पार्सल ट्रे मिलेगी आपको, उसके बाद इसके अंदर स्पेयर टायर की बात करें तो स्पेयर टायर के साइज़ रहने वाला है 195/60R16 का, मतलब टायर साइज डाउनग्रेड नहीं करा गया है और ये सिर्फ आपको मिलेगा उसमें स्टील रिम, और शायद इसके अंदर आपको टायर इन्फ्लेटर किट भी मिलेगी, टायर ये देखिए इसके साथ साथ आपको टायर इन्फ्लेटर किट भी मिलेगी। ये बूट स्पेस की बात करी जाए तो वो मिलेगा आपको 350 लीटर का। नेक्सॉन की बैजिंग आपको ब्लैक कलर में मिलेगी, इसको मैट ब्लैक टाइप का भी कह सकते हैं, इसके अच्छा लग रहा है देखने में, और इसी के नीचे आपको यहाँ पे टाटा के लोगों के नीचे आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। बात करें इसमें आपको ट्राई एरो यहाँ पे बम्पर पे वो मिलेंगे इंसर्ट्स, दोनों तरफ ट्राई एरो मिलेंगे, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। रिफ्लेक्टर की बात करी जाए तो इस टाइप का रिफ्लेक्टर मिलेगा, इस पर भी आपको ट्राई एरो जो ट्रीटमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह के पीछे से पूरे गाड़ी के लुक्स रहने वाले हैं। अगर गाड़ी की प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये जो आपको मॉडल खड़ा हुआ है ये है आपका XZ+ Lexus डार्क एडिशन, और इसकी प्राइसिंग जाती है 14,19,000 रुपये की ऑन रोड यूपी। अगर 14 लाख में बात करी जाए ना तो इसकी क्वालिटी और सेफ्टी के हिसाब से प्राइस बहुत जस्टिफाइड है, देश का लोहा है, सब कुछ इसमें एकदम प्रीमियम मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी बेस्ट इन क्लास, मतलब आपको की बात करूँ ना तो इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स देखने को नहीं मिलती हैं। तो टाटा को एक बिग थम्स अप, वोकल फॉर लोकल का प्रमोट, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं ऐसी कार रिलेटेड वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।